हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू आरएसएच व्लॉग्स। कैसे हैं सब? तो भाई आज हम लोग आए हुए हैं होसखास विलेज डियर पार्क। शाहिद भाई देखो, तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि तुम्हें जाना चाहिए पहले जन सुविधाओं में, उसके बाद चलेंगे बतख झील की तरफ। नहीं, जन सुविधा की जरूरत नहीं है। आओ फिर इधर आओ। कौन सी न्यूज है शाहिद भाई, कौन सी न्यूज है ये? फटाफट न्यूज। तो भाई अभी डियर पार्क के अंदर हमने एंट्री ले ली है। एंट्री की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। और अभी चलते हैं आगे, डक झील की तरफ जा रहे हैं, बतख झील की तरफ। देखते हैं उसमें कितनी बतखें हैं। शाहिद भाई दो अक्षर पढ़े हैं, वो भी चूतियाबंदी की। रजिस्ट्री पार्क नहीं है, डिस्ट्रिक्ट पार्क है। तो पहले इस तरफ चलते हैं। चलो भाई, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। देखो शाहिद भाई लगे हुए हैं, कुत्ते का इंटरव्यू लोगे क्या आप जाके? और अगर कुत्ते ने तुम्हारा इंटरव्यू कर लिया ना, तो 14 ढुकेंगे, वो भी पीछे। शायद भाई बियर ग्रिल्स के चचेरे भाई लग रहे हो तुम अभी। ये बढ़िया है ना। देख फटाफट चैनल में आपका स्वागत है। जिम करवाता हूँ, चलो शायद भाई। एक एक सेट सब है ना। चलो फिर आओ, देखने जरा कैसे चला रहे हो। तो इससे टायर कम होते हैं, टायर पेट के टायर। टायर कम कर लो पेट। बिरयानी खा खा के ना शायद भाई पेट बहुत ऊपर आ गया मेरा। बना दो शायद भाई, बना दो बना दो। हल्के चाचा बन जाओ एक ही दिन में। चलो अब हो गया, अब बॉडी बन गई। देखें जरा, ओ माय गॉड, एक दिन में ये हाल। और बताओ। बस इसमें बेसिकली क्या है कि हमें ना अपना वजन उठाना पड़ता है। उठाओ तुम अपना वजन। मैं तो बचपन से उठा रहा हूँ अपना वजन, पता है आपको? ये मेसी मसल्स देख साइड पोज से। वाह यार, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है नजारा। इस पुल का नाम जो है वो है द हवेली पुल। यहाँ पुल पे हम ऐसे चढ़ेंगे और ऐसे उतरेंगे। एक ज़माना था जब ये पुल बनाया गया था, तो इस पुल के नीचे से नाव पे बैठ के पार ऐसे किया जाता था। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी अपनी रानियों के साथ निकल ऐसे निकल जाते थे यहाँ से, और फिर वहाँ पर ऐसे वो घूमते रहते थे नाव में। सर झुका लेते थे ना भाई। ढीट कौवा पार्ट टू। उड़ जा उड़ जा भाई, उड़ जा। देखो मैंने कहा था ना, देखो मैंने कहा था ना, ढीट कौवा पार्ट टू है ये। उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया उड़ गया। ये उतना ढीट नहीं है शाहिद भाई। ओह यार शाहिद भाई, तो वही वाले बाल हैं, सही कह रहे हो। देखो ये यहाँ पर पेड़ों में आते हैं, पता है उन लोगों के दिमाग में कैसे आया है? पानी है। अरे वो समुद्री लुटेरे वाले बाल है शाहिद भाई। ऐसे ही बाल है। हाँ, जैक स्पैरो बना दूं तुम्हें? जैक स्पैरो, ये पूरे बाल लगा के सर में जैक स्पैरो बना दूं। हेरा एस्ट्रोक्रा प्रस्त हस्तलीलू। क्या रशियन नाम बता रहे हो क्या शाहिद भाई? कटहल का पेड़ है भाई ये। उसका
पहली पोलिसिया। पोलिसिया कहाँ लिखा? मधुस्का लतीफोलिसिया। एल साइलेंट है ना? मधुस्का लतीफोलिया लिखा है। पोलिसिया जबरदस्ती पोलिसिया। भाई तुम रशियन के अध्यापक बनना छोड़ दो, तुम ये रशियन भाषा छोड़ दो, तुम अपनी वाली बोलो ना। जाई छे, खाई छे, नहाई छे, धोई छे। गाइज हम आयल बनी हिया। गाइज हम आयल बनी होच खास में वीडियो बनावे। गाइज देखो कितनी प्यारी प्यारी बदखे हैं यहाँ पे। वाकई में है तो बदख पारक ही है। शायद भाई ये सारी बदखे मिल के ना आपस में गालियां बक रही हैं हम दोनों को, वो भी गंदी वाली। देखो ये वाली तो इससे ही कह रही है साले दो ऊपर कलुए हैं, और ये काली वाली बोल रही है ए कलुआ मत बोल रहे, हमको भी लग रहा है। तो भाई ये पार्क काफ़ी ब्यूटीफुल बना हुआ है, ग्रीनरी देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा है यहाँ पे, और तालाब आपको हमने दिखाई दिया है। अब हम लोग धीरे धीरे मूव कर रहे हैं डियर पार्क की तरफ, वहाँ देखते हैं हिरन है या नहीं है। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे जो व्लॉग है उसमें कमेंट करें, उसको शेयर करें, लाइक करें, अपने सजेशंस दें, ताकि हम और बेहतर व्लॉग आपके लिए बना सकें। तो भाई अब जा रहे हैं हम लोग डियर पार्क में। शुक्रवार के दिन बंद रहता है, टाइमिंग रही है गर्मियाँ और सर्दियाँ दोनों का लिखा हुआ है। तो भाई फाइनली शाहिद भाई की मेहनत लाई रंग, और हमें देखने को मिल गया हिरण। ये रहा हिरण का बेड़ा। तो भाई डियर पार्क में शाहिद भाई जो है हिरणों को, भाई आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया आ गया। भूख लग रही है यार इन लोगों को बहुत ज़्यादा, देख रहे हो। और लाओ यार शाहिद भाई, और लाओ। हाँ लाओ लाओ। तो गाइस शाहिद भाई कितनी मेहनत कर रहे हैं जानवरों के लिए। शाहिद भाई के लिए एक लाइक तो बनता है। ये हिरण खा रहे हैं, हिरण खा रहे पत्ते। शाहिद भाई अल्लाह विल ब्लेस यू डेफिनेटली। अल्लाह ब्लेस कर दे, इसमें से ही दे दे बिरयानी बनवा दे। लुआ का 70, कलुआ का 70। तो ये वाले पत्ते लिए जो मैं लाके दे। ओए सारे आ गए शायद भाई, सारे आ गए तो। सारे आ गए। हाँ देखो शाहिद भाई, अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो तो ये रहा बच्चों के लिए झूले। शाहिद भाई अगर झूला मिला नहीं ना तो वो जो बोर्ड लगा हुआ ना वो बोर्ड उखाड़ दूंगा आके। आ गए शाहिद भाई देखो फाइनली बच्चों के झूलों के पास। चलो तो झूल के दिखाओ तुम। शाहिद भाई झूल के दिखाओ यार, देखो ये बालक झूल रहे हैं यहाँ पे। ये बालक झूल रहे हैं, देखो शाहिद भाई बैठा नहीं, दबाऊं मैं, दबाऊं नीचे, बैठो, लो बैठो बैठो आओ। अरे 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 अबे ये बच्चे झूल रही है देखो, अबे ये बुड्ढा झूल रहा है देखो। वाह यार शाहिद भाई तुम तो कामयाब आदमी हो। एक कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। क्या बर्बादी के पीछे? हाँ वन टू यार राजू भाई थोड़ी देर तक ऐसे रहते लाल हो तो सही है। पहले में से आओगे, पहले इसमें से लेट के जाओ। हाँ घुसो, मैं इधर से निकाल लूंगा तुम्हें। त्याग दो, चलो खुद ही चला जाएगा नीचे। छोड़ो चला जाएगा नीचे, छोड़ो 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 छोड़ो। त्याग दो एकदम त्याग। अरे यार तो भाई देखा आप लोगों ने, हम लोगों ने मस्ती कर ली है इन झूलों पे, आप भी कर सकते हो यहाँ पे आके। ये चिड़िया गाइस, ये वाली जो चिड़िया है ये पेड़ में छेद करती है। देखो इसकी चोंच देखो कैसी है, मैं जूम करता हूँ। देखो अब देखो इसकी चोंच कैसी है,
और इसके सिर पे देखो शायद भाई क्या लगा हुआ है। तो भाई घूमते घूमते हम लोग आ चुके हैं इसके अंदर मुड़ा गुंबद के पास। ये इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है और यहाँ से हम लोग ऊपर जाएंगे। आओ शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से हो? ओ भाई क्या नज़ारा आ रहा है यहाँ से। तो भाई हम लोग लगभग 4 मंजिल ऊपर खड़े हुए हैं अभी। पीछे देखो आप हमारे, वो नीचे घास का मैदान है और वो जो खम्बा है, ये खम्बा देख रहे हो आप, ये खम्बा नीचे से लेके ऊपर तक ये बिल्कुल मेरी बराबरी पे आ गया है। तो इतने ऊंचाई पे खड़े होके यहाँ से जो सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी थे वो इस झील को देखा करते थे, जो मेरे पीछे बनी हुई है। अभी मैं दिखाता हूँ आपको, ये वाली जो झील है इसको यहाँ से देखा करते थे इतनी ऊंचाई से। अब ये देखो आप क्या नज़ारा ही आता होगा ना। अब तो ये पेड़ लगा दिए बीच में, वरना पहले ये पेड़ नहीं होते होंगे, तो बिल्कुल दूर दूर तक की जो झील है वो दिख जाती होगी। भाई ये इस तरह की कुछ सीढ़ियाँ हैं इसकी। अब हम लोग जा रहे हैं नीचे, यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं, गांजा भी पीते हैं। ये उतर गए, अब यहाँ से इधर चलेंगे। ये है इसका सेंटर, ये इसका सेंटर है। एक दरवाज़ा ये है जहाँ से हमने एंट्री ली थी, एक ये रहा, एक ये शाहिद भाई खड़े हैं यहाँ पे, और एक ये रहा। 4 दरवाजे हैं इसके। देखिए आप, इसका नाम है मुंडा गुंबद। इसका निर्माण खिलजी काल में किया गया था। मुंडा गुंबद मूल रूप से हौस खास तालाब के बीचों बीच एक दो मंजिला मंडप रहा होगा। अभिलेखों के अनुसार हौस खास तालाब का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपनी राजधानी सिरी के नागरिकों के लिए 1295 में करवाया गया था। इसका साइड व्यू है इस तरह से, अब हम ऐसे ही निकलेंगे। इसका जो पत्थर है वो कुछ इस तरह का है, लाल पत्थर और पहाड़ी पत्थर को मिलाकर बनाया है ये। एक घास के मैदान एकदम ग्रीन ग्रीन लग रहे हैं, मज़ा आ रहा है इन पे चलने में। अब मैं ना उड़ाता हूँ, उड़ गई उड़ गई उड़ गई उड़ गई। ये देखो गाइस, चमगादड़, उल्टे लटकने वाले चमगादड़ हैं ये। फिर लटके हुए चमगादड़ देखो। देख लो भाई, ये है चमगादड़, देखो कितना खतरनाक दिख रहा है भाई। अब हम लोग, ये रास्ता है संकरा, यहाँ से किले में जाना है भाई। ये छोटी सी एक मार्केट बनी हुई है, यहाँ से है क्या, यहाँ से यही वाला होगा भाई। क्या पेंटिंग शेंटिंग सी बन रही है। चलो यार, ये रेस्टोरेंट टाइप है शायद भाई। आर्ट गैलरी है ये। भाई ये मेन मार्केट है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। है ना, उत्तराखंड वाला एरिया लग रहा है ये। पूछना। तो भाई फाइनली गेट तक आ गए हम लोग। ये गेट है अंकल जी, इसका कोई टिकट वगैरह तो नहीं है ना, है कहाँ से लेना? चलो भाई वहाँ से टिकट लेंगे। ये है भाई इसका मेन गेट, और इधर से है टिकट काउंटर। बैठे हुए तो हैं वो, ले लो भाई। स्कैनर है,
लो भैया। चौधर 20 रुपये प्रति व्यक्ति। भैया ये है इसका स्कैनर, शाहिद भाई कर रहे हैं स्कैन और टिकट डाउनलोड करेंगे ऑनलाइन। 20 रुपये एक आदमी का है, दो आदमी का 40 रुपया। बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ शाहिद भाई, किसी को नहीं बताऊंगा तुम नीचे बैठे थे। चलो भाई, शाहिद भाई ने टिकट ले ली है, अब अपन चलते हैं खास खास परिसर के अंदर। पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं इसके बारे में। ये लिखा हुआ है इसका हिस्ट्री। चलो जी यहाँ से एंट्री ले लेते हैं। जब हम आए थे ना वो उधर से एंट्री थी दोस्तों के साथ, कभी भी ना है चढ़ के सीढ़ियों से। हाँ, जो सीढ़ी जो बंद कर रखी है ना उधर से चढ़ के था। हाँ, ये गेट वेट कुछ भी नहीं, नहीं गेट तो शुरू से ही है। बस शाहिद भाई तुम गलत रास्ते से आए हो, तुम उधर से आए हो बिना टिकट के, है ना? बिना टिकट के आ रहे हो तुम, बिना टिकट मत आना। चलो तो भैया एंट्री ले लिए। शाहिद भाई रो क्यों रहे हो, मारा है क्या गार्ड ने अंदर एंट्री लेते में? अरे चलो यार शाहिद भाई, तुम बहुत पुराने आदमी हो, ये तो अभी बना है, तुम तो इससे भी पुराने लग रहे हो मेरे को। मैं महबूब भाई, नाजिम, बहुत सारे लोग आए थे हम। यार इसका भी पत्थर जो है वो सेम वही है, पहाड़ी पत्थर और लाल पत्थर से बनी हुई दीवारें हैं इसकी। अब चलते हैं आगे। तो भाई पहला गुंबद ये वाला बना हुआ है और एक उधर है, एक उस तरफ है और एक इधर है और एक वो सामने है। तो अभी हम लोग इसमें अंदर जाने वाले हैं, पहले एक वॉक अराउंड ले लेते हैं इसका चारों तरफ से। शाहिद भाई की थक के हालत ख़राब हो चुकी है, बेचारे गर्मी से ज़ुबान बाहर निकाल के खड़े हैं। दिखाना शाहिद भाई, गर्मी लग रही है क्या? अरे शाहिद भाई क्यों इसकी ज़िंदगी में उंगली कर रहे हो बेचारी की, मैं खेल रही है, खेलने दो। उंगली तुम कर रहे हो, मैं कर रहा हूँ, मैं तो बिरयानी का जुगाड़ ढूंढ रहा हूँ। इसमें कितना ही निकलेगा शायद भाई? पाव ग्राम बिरयानी का जुगाड़। तो यार देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है देखने में ये। वहाँ पे एक गुंबद वो रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, तीन है। और ये एक छोटा सा कुछ है जो हो सकता है बन रहा होगा उस टाइम पर और फिर बन नहीं पाया, इनकम्प्लीट है। तो ये बीच में इस तरह का कुछ चबूतरा सा बना हुआ है भाई। यहाँ पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हुई है। 99 रुपये की टिकट पे शाहिद भाई। तंदूर, तंदूर नहीं है, चींटियों का घर है एक। ये तो कूड़ेदान है यार, तंदूर की तरह लग रहा है देखने में। तो भाई ये है इसका मेन मॉन्यूमेंट और यहाँ से एंट्री पॉइंट है और अपन लोग जाएंगे अभी इधर। और अभी आपको मैं बताने वाला हूँ कि ये जो मेन मॉन्यूमेंट है इसका क्या नाम है, किसने बनाया था, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। व्लॉग में आप लोग बने रहिएगा क्योंकि इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो भाई इसका नाम है फिरोज शाह का मकबरा और इस पर इसकी हिस्ट्री लिखी हुई है, पढ़ सकते हैं आप लोग। अंदर जो है वो मेन कब्र बनी हुई है, ये रही। और रहे देखें आप लोग, और ये कुछ इस तरह का अंदर से बना हुआ है, देख सकते हैं। तो भाई ये इसमें से मैंने अभी एंट्री करके आपको अंदर का दिखा दिया है, अब अपन चलते हैं इस तरफ। ये वाला जो पार्ट है इसका नाम है, ये मदरसा है और ये मदरसे का पश्चिमी हिस्सा है, वेस्टर्न विंग ऑफ द मदरसा। तो
तो ये उस जमाने का मदरसा है भाई। देखिए आप लोग क्या बनावट है इसकी और क्या मजबूती है। इनकी दीवारों की अगर चौड़ाई की बात करें तो ये देखो आप। तो यहाँ से अपन ने एंट्री ली है अभी और अब इसके अंदर चलते हैं यहाँ से इस जगह से। तो ऐसा कह सकते हैं कि मदरसे का एक कमरा ये है जहाँ पे बच्चे पढ़ा करते होंगे उस टाइम पर, जो इस्लामी तालीम हासिल किया करते थे तो वो इस जगह बैठ के किया करते होंगे आई होप सो, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा है ये कमरा। और इसकी ऊंचाई भी देखें आप, उस ज़माने में तो खूबसूरत ही रहा होगा ये। और दूसरा जो कमरा है वो ये वाला है। और यहाँ से ये डक झील आपको देखने को मिल जाएगी, जहाँ से अभी हम लोग ऐसे करके ऊपर घूम कर आए हैं पूरा। तो ये डक झील है पूरी। तो भाई एक कमरा उस तरफ था, एक ये है। ये इसकी कुछ ऊपर से बनावट इस तरह की है और इसके जो पिलर हैं वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत हैं। देखो आप, एक एक पिलर पे मेरा पूरा हाथ मैंने रख दिया है और फिर भी काफ़ी बड़े साइज़ का पिलर है इसका। अब चलते हैं आगे। एक कमरा ये है, यानी कि उस ज़माने में जो बच्चे इस्लामी तालीम लिया करते थे जगह पे और इन मदरसों में उनकी पढ़ाई हुआ करती थी, क्योंकि उस ज़माने में इलेक्ट्रिसिटी और बिजली का थोड़ा सा इश्यूज़ रहता था। तो जो जंगले जो खिड़कियां बनाई जाती थी वो खुली बनाई जाती थी, जैसे यहाँ से एकदम ठंडी हवा अंदर आ रही है इस जगह पर। तो इस्लामी एजुकेशन लेने वाले बच्चों के लिए आसानी होती थी यहाँ बैठ के पढ़ने में। ये रास्ता इन्होंने बंद किया हुआ है और ये कुछ सीढ़ियाँ हैं जो मे बी यहाँ से ऊपर जाने के लिए हैं, कि इसके ऊपर आप यहाँ से जा सकते हो। भाई बना तो बहुत ही ब्यूटीफुल है ये। पीने का पानी है यार, पानी। देखो आप यहाँ से एक बार नज़ारा क्या आ रहा है इसका। हवाई जहाज वो जा रहा एरोप्लेन। अरे अब बैठूंगा मैं, यहाँ वो जा रहा एरोप्लेन भाई। ₹20 लिए बोतल ले आते शायद भाई, बोतल ले आते पानी भर लेके जाते तुम यहाँ से। ₹20 क्या इस टंकी से ही वसूलोगे पूरे? तो भाई ये इसके गेट हैं, कुछ इस तरह से बने हुए गेट हैं जहाँ से एकदम ठंडी हवा आ रही है, क्योंकि इसके जो पीछे है वो डक झील है, बत्तख झील है शायद भाई, बत्तख झील पीछे ही है ना। शायद भाई घुस गए एक बंद कमरे में। इसका क्या रेट लगाओगे बताओ? ये प्रॉपर्टी मांगता है अपने को, ये प्रॉपर्टी मिलेगी आपको 6.5 लाख। जो है वो है मदरसे का उत्तरी भाग, ये उत्तरी भाग है। यहां से जो झील है वो और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रही है। इसी तरह की गुंबद यहाँ पे भी बनी हुई है। तो भाई ये वाली जो है ये मस्जिद है, वो लगा हुआ है इसका बोर्ड, देखिए वहां पे लिखा भी है मस्जिद, और कितने खूबसूरत उस टाइम में रही होगी ये। तो भाई ये इसका मैप है,
मैप्स में सब दिया हुआ है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। जैसे देखिए टॉप में ऊपर फिरोज शाह टॉम्ब, फिर नीचे मस्जिद जहाँ पे अभी हम खड़े हुए हैं। तो आई होप आप लोगों को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। हमने ये पूरा घूम लिया है, आपको टिकट का प्राइस बता दिया है। अब हम लोगों का ब्लॉग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जैसा कि शाहिद भाई कुछ कहना चाह रहे हैं आप लोगों से, शाहिद भाई कुछ बोलोगे? नहीं, मैं क्या बोलूँ, यहाँ आइए। शाहिद भाई की हालत ख़राब हो गई है बहुत ज़्यादा, ये कुछ बोलने की कंडीशन में नहीं है, इनकी ज़ुबान ही नहीं चल रही है। चलो मिलता हूँ आपसे अगले ब्लॉग में। भाई ये पूरा हम लोगों ने घूम लिया, अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से अपने घर की तरफ। ये इसका एग्जिट और यही एंट्री थी।